मी 11X, पोको F3 और रेडमी के 40 के लिए प्रोजेक्ट एलेक्जर रोम का 4.0 का फर्स्ट बिल्ड आया हुआ एंड्रॉयड 14 का, और इसका रिव्यू मैं कंप्लीट करूंगा। बाकी जो इंस्टॉलेशन एंड्रॉयड 13 का था वही सेम ही रहेगा, सेम रिकवरी जो ऑरेंज फॉक्स की लेटेस्ट है उसी में फ्लश किया, यहाँ पे आराम से फ्लश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप यूज़ करना चाहो तो रिकवरी ही यूज़ कर पाओगे, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और रिकमेंडेड जो इंस्टॉलेशन वीडियो है एंड्रॉयड 13 वाला वही सेम फॉलो करना, तो अभी डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, तो उसको आप फॉलो करके इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ हमें मिलता है, फीचर बग किस तरीके का रोम रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अबाउट फोन के अंदर बैटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, साइकिल काउंट हालांकि एक ही दिखा रहा है, एंड एंड्रॉयड वर्जन में प्रोजेक्ट एलेक्जर मिल जाएगा, एंड्रॉयड वर्जन 14 है, सिक्योरिटी पैच जनवरी 2024 का है, एलेक्जर वर्जन जो है 4.0 और कर्नल नेक्सस का वर्जन 26 है, सेलेनिक स्टेटस इन्फोर्सिंग और लास्ट में रेडी इन्फो है जिससे आप प्रेफर नेटवर्क को चेंज कर पाओगे। QS पैनल में उसे एनिमेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, एंड डाटा यूज ऐसे क्लिकवेल क्लॉक इंटरनेट पे आपको हॉटस्पॉट मिल जाएगा, एडवांस रिस्टार्ट भी मिल जाता है। एडिट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको टाइल्स भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, सेपरेट टाइल भी है वाईफाई मोबाइल डाटा का, तो ये सभी टाइल्स इसके अंदर रहेंगे। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको स्किप टाइमर HEVC मिल जाएगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ वही एक ही दिक्कत है यहाँ पे ऐप ओपनिंग में, खासकर आपका थोड़ा सा UI लैग रहता है, नॉर्मली जिटर रहता है हल्का, लेकिन ऐप ओपनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि दूसरे रोम पे भी इस तरीके से मिलता था, तो उसी टाइप का यहाँ पे लैग है इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। वॉल्यूम पैनल में आपको यहाँ पे एक्सपेंड मिल जाएगा, बाकी जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है नॉर्मल में वो काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ मिल जाएगा और फास्ट है, तो ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे फिलहाल ऐसा नहीं है। और सेलेक्ट का ऑप्शन काम करता है, स्क्रीनशॉट पे डिलीट है और आइकन पे क्लिक करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन भी मिल जाता है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर में जो कैमरा दिया गया वो लाइका वाला दिया गया, तो यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग पिक्चर क्लिप पोर्ट्रेट मोड सब आराम से क्लिक कर पाओगे। मोड्स भी आप देखोगे इसके जो है काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल नहीं रहेगी। बाकी GKEM मैनुअली आपको इंस्टॉल करना होगा, अच्छे से काम कर रहा है। एंड वाइडबैंड L1 का सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। एंड गेम स्पेस भी आपको ऐप ड्रॉअर पे ही देखने को मिल जाएगा। एंड वी म्यूजिक प्लेयर प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, गैलरी और से इसके अंदर प्री इंस्टॉल कोई भी नहीं आती है, तो गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा इसके अंदर, यहीं पे ऐप ड्रॉअर में वाइपर इफेक्ट्स भी मिल जाता है, और यही एक साउंड इफेक्ट है, बाकी कोई भी साउंड इफेक्ट इसके अंदर नहीं मिलता है, यही एक वाईफाई इफेक्ट्स ही है, तो इसका यूज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। एंड प्ले स्टोर इसके अंदर हमें नॉट सर्टिफाइड मिलता है, तब इसका भी वीडियो मैं बना रखा हूँ कैसे सर्टिफाइड करना है, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दोनों जगह दे दूंगा, लेटेस्ट वीडियो भी बनाए कुछ दिन पहले ही, तो डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे दे दूंगा, तो उसको देख के आप फिक्स कर पाओगे। एंड वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर यहाँ पे वॉलपेपर कलर, बेसिक कलर, जो अदर कलर है वो मिल जाएंगे, एंड वॉलपेपर इसके अंदर काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जो कि हालांकि जो सेट है इसके साथ ही आता है, एंड थीम डाइकन है अपग्रेड मिल जाएगा। और लॉक्सिन के अंदर जाओगे तो क्लॉक स्टाइल मिल जाता है यहाँ पे, लॉक्सिन के कलर हो, आपका क्लॉक का कलर हो गया, क्लॉक साइज़ हो गया, डायनेमिक सेलेक्ट करोगे तो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है साइज़, तो कलर में भी दिक्कत नहीं है। लॉक्सिन यहाँ पे शॉर्टकट भी है, नोटिफिकेशन भी ऑन ऑफ कर पाओगे, मॉल लॉक्सिन के ऑप्शन के अंदर डायनेमिक क्लॉक है, ऑलवेज सो टाइम इन्फो मिल जाता है, जो कि आपका ऑलवेज ऑन बिल्कुल काम कर रहा है और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लिप टू चेक फोन भी है, बैक्स इन फोन नोटिफिकेशन भी मिल जाता है यहीं पे, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर इसके अंदर आता है। कॉलिंग के अंदर में कैरियर वीडियो कॉल का यहाँ पे आपको बग मिलेगा, वाईफाई कॉलिंग हालांकि काम करता है, बस सेटिंग से इनेबल कर लेना। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग एंड्रॉयड 13 की तरह है, यहाँ पे भी अलर्ट नहीं होता, और यहाँ पे ऊपर आपको रेड डॉट देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का, जो कि कुछ ही रोम में ये चीज़ मिलता है। अब यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर 80% रन पे वीडियो प्ले करने के बाद 92% जो है बैटरी मिला, और बैटरी यूजर्स के अंदर उस टाइम पे ऐड नहीं हुआ था। अगर बात करें यहाँ पे हम चार्जिंग को लेकर के, तो 80% चार्ज करने में 55 मिनट का टाइम यहाँ पे लगा है, और बैटरी ड्रेन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है हमें 98% नाइट में था, मॉर्निंग में 97% मिला, यानी कि 1% का नाइट में ड्रेन मुझे इसके अंदर मिला है। अब यहाँ पे सेटिंग कुछ इस तरीके की मिल जाती है, ऊपर आपको एक मैसेज मिल जाएगा, यूज़र नेम भी है, एसेंस जो कि इसका कस्टमाइजेशन है यहीं पर ऊपर में मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर थीम में चलते हैं, और यहाँ पर आपको दिखा दो यूज़ कस्टम थीम, तो ये सभी ऑप्शन हैं। हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स है, आइकन मिल जाएगा, आइकन पैक, आइकन शेप मिल जाएगा, सिग्नल आइकन स्टाइल काफ़ी सारे इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं, वाईफाई आइकन स्टाइल भी काफ़ी सारे रहेंगे,
और ब्राइटनेस स्लाइडर में हालांकि कुछ भी नहीं मिलता अभी। एंड डाटा आइकन स्टाइल ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब लॉक्सन के अंदर डबल टैप स्लीप का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टेटस बार के लिए आपको मिलेगा। एज लाइटिंग है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन बाय विजन एरर बाय विजन है, रिफिल इफेक्ट है फिंगरप्रिंट एनिमेशन ऑन ऑफ करने के लिए, चार्जिंग इन्फो भी यहीं पर मिल जाता है। और स्टेटस बार के अंदर जाओगे तो 100 डाटा डिसेबल आइकन है, ब्राइटनेस कंट्रोल जो कि स्टेटस बार पर डायरेक्ट स्लाइड करके कंट्रोल कर पाओगे, कलर आइकन है, क्विक पुल डाउन आइकन मैनेजर मिल जाएगा जिसमें स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पे स्टेटस बार आइकन मिलेंगे, अम्बिन डिस्प्ले ये सब का भी दिया गया बट ये काम के नहीं है, ये सब खाली रहता है ज़्यादातर, इनको छोड़ो। एंड बैटरी स्टाइल इसके अंदर आपको काफ़ी मिलने वाले हैं तो बैटरी स्टाइल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक इंडिकेटर ये भी मिलता है और क्लॉक एंड डेट की जो सेटिंग्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है इसके अंदर। क्विक जो सेटिंग्स है उसके अंदर जाओगे, हाइड क्यूस एंड सिक्योर लॉक्सन मिलेगा, हाइड स्टेटस बार, हैप्टिक फीडबैक मिल जाएगा। एंड नीचे डाटा यूजर्स है, ब्राइटनेस स्लाइडर की सेटिंग्स मिल जाती है। और जेस्चर के अंदर जाते हो तो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिलेगा, यहाँ पे डबल टैप चेक फोन मिलेगा, नेविगेशन मोड है जिसमें जेस्चर में पिन लेंथ या फिर जेस्चर इंडिकेटर, बैक जेस्चर एनिमेशन, बैक जेस्चर हैप्टिक ये सब मिलेगा। थ्री बटन नेविगेशन अगर आप यूज़ करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी वैसे सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है, ये भी यूज़ आप आराम से कर पाओगे। नीचे फिर यहाँ पे आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिल जाएगा, 100 मोड भी है, टच स्क्रीन जेस्चर है, हैप्टिक फीडबैक के लिए, तो ये सब आपको मिलता है यहाँ पे। मिसलेनियस के अंदर एडवांस रिस्टार्ट रहेगा, इग्नोर विंडो, सिक्योर फ्लैग जिससे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट, सभी ऐप्स आप रिमूव कर पाओगे। एंड नीचे इनकॉल वाइब्रेशन है और गेम स्पेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सब जो है यहाँ पे रहेगा। एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाते हैं यहाँ पे सिम के अंदर में, तो सिम के अंदर में जो प्रेफर्ड नेटवर्क है 3G 4G और 5G का मिल जाता है, 5G वर्किंग है, इसे प्रेफर्ड जो FW है वो अब यूज़ करना। एंड इसके अंदर हॉटस्पॉट बिल्कुल काम कर रहा है तो इसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्राइवेट डेनस है ये सब मिल जाएगा। और कनेक्टेड डिवाइस के अंदर कास्ट जो आपका ये भी काम कर रहा है। और फिर जाते हैं डिस्प्ले में तो एक्स्ट्रा डिम यहाँ पे मिल जाएगा, डार्क थीम दिया गया है। और इसके नीचे फिर आपको नाइट लाइट मिलेगा, कलर्स का ऑप्शन, अलाउ विंडो लेवल ब्लर भी है यहीं पे। और फिर आता है रोटेशन जिसमें नॉर्मली रोटेशन मोड नहीं मिलता, मिनिमम रिफ्रेश रेट, मैक्सिमम रिफ्रेश रेट, लो पावर रिफ्रेश रेट भी है और स्मूथ डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। पॉकेट मोड भी है, टैप टू वैक, पैक ऑन प्लग और हाई ब्राइटनेस मोड, ये सब आपको मिलता है डिस्प्ले के अंदर। बैटरी के अंदर यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल है जो कि थर्मल प्रोफाइल हो गया आपका, बैटरी यूजेस मिल जाता है जो कि अभी भी 52 मिनट ही दिखा रहा है सिर्फ, तो सही से ऐड नहीं हो रहा है। एंड बैटरी सेवर मिल जाता है, इसके नीचे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, टेम्परेचर है बैटरी का और बैटरी जो विजेट्स है वो हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर फ्लश नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जिसमें आप कलर फ्लश कर सकते हो या फिर आपका जो फ्लश लाइट है उसका यूज़ आप कर पाओगे, तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते जो कि एंड्रॉयड 14 के साथ ये मिला था। और अब चलते हैं हम साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पे मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगाने के लिए नहीं मिलता, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक काम कर रहा है, मीडिया भी लेटेस्ट ही रहेगा। और नीचे आते हो तो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल है, क्लियर स्पीकर है, जैसे कि और भी कोई साउंड इफेक्ट नहीं मिलता, जो एपडोर में वाइपर इफेक्ट्स है सिर्फ वही आपको मिलता है यहाँ पे। और ऐप्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे क्लोन्ड ऐप है जो कि काम कर रहा है तो इसका यूज़ आप कर पाओगे। और गेम स्पेस यहाँ पे भी है, तीन तीन जगह गेम स्पेस है, असिस्टेंट वर्किंग है, लॉन्चर पिक्सल का रहेगा। एंड यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पर हमारा जो है फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही मिल जाता है इसके अंदर में, तो फेस अनलॉक ऐड करने के बाद रिबूट कर लेना डिवाइस को, बाकी यहाँ पे प्राइवेसी ये जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है प्राइवेसी है, बैक करते हैं नीचे में मोर सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें यहाँ पे रोम जो है उसे इनक्रिप्टेड आता है, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया हूँ, सो मीडिया ऑन लॉकिंग ये सब भी इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पे जो है अभी पैटर्न साइज की बात करें तो ये मिल जाएगा, बाकी पिन ऐड करके मैं रिबूट करके डिवाइस सारा चीज़ें ऐड करके उसे साथ ही साथ बूट एनिमेशन भी आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके का जो बूट एनिमेशन वो रहेगा। बट हाँ, फेस अनलॉक ऐड करने के बाद डिवाइस को रिबूट कर लेना, जैसे कि मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे, अभी ऐड किया हूँ तो मैं इसको रिबूट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर जो है कोई इशू नहीं। हालांकि रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर सिक्योरिटी विक्योरिटी ऐड करने के बाद बूट करने पर बूट लॉक पर चला जा रहा था वो, बट यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट हमारा अच्छे से काम करा और जो फेस अनलॉक है ये भी जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल वर्किंग है, बस रिबूट कर लेना, ये रिक्वायरमेंट जरूरी है, ये चीज़ कर लेना फेस अनलॉक ऐड करने के बाद। एंड यहाँ पे फेस अनलॉक की सेटिंग्स देख सकते हो और फिंगरप्रिंट की है, टच टू अनलॉक एट एनी टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, स्किप मैनुअल कंफर्मेशन भी नीचे दिया गया इसके अंदरों से। एंड सेटिंग्स में आपको इनहैंड पिन प्राइवेसी मिलेगा, स्क्रम्बल लेआउट और क्विक अनलॉक मिल जाएगा लॉकिन में, जिसमें यहाँ पे वैसे तो आपका यहाँ पे स्क्रैम्बल लेआउट से नंबर लेआउट चेंज हो जाता है, बाकी ऊपर आपको जो एनिमेशन मिल रहा है अलग अलग शेप देखने मिल रहा है नंबर टैप करने पे, तो वो चीज़ आपको एंड्रॉइड 14 के साथ ही जो है मिलना स्टार्ट हो गया था, तो उसके साथ ही मिलता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं और अच्छे से काम कर रहा है। बाकी हमारा जो है सिस्टम है
जिसके अंदर लैंग्वेज में जाओगे, ऐप लैंग्वेज ये कुछ एप्लीकेशन पर सपोर्ट कर रहा है, रीजनल प्रेफरेंसेस, टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर जो जेस्चर दिया गया ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ वहाँ पे सेंस के अंदर, एंड इसके अंदर फिर नीचे आपको ये सिस्टम यूआई मिलेगा, ये भी दिखा चुका हूँ। एलेक्सर जो कि अपडेटर इसका जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मैं इनेबल कर लेता हूँ और उसके अंदर चल के आपको दिखा दूँ यहाँ पे हाइड नोच मिलता है फिर नहीं मिलता है। तो चलते हैं यहाँ पे नीचे में और डिस्प्ले कटआउट के अंदर, तो यहाँ पर डिस्प्ले कटआउट है और हाइड नोच मिल जा रहा है, तो कुछ इस तरीके का जो है ये हाइड करने वाला था, यहाँ पर हाइड हो जा रहा है। ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार भी है, कॉन्ट्रास्ट भी है, तो ये सब भी यहाँ पर मिल रहा है। और वैसे अगर बात करें हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर के बारे में, तो यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं कर रहा है। बाकी आपका कोई ऐप के अंदर फोटो वीडियो शेयर करता तो मल्टीपल हम सिंगल सेलेक्ट करके शेयर कर पाओगे, बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थोड़े से क्रैश कर जा रहे तो वो सब इशू है अभी। एंड टू स्कोर यहाँ पे 720,000 मुझे इसके अंदर मिला है, जो कि बाकी के मुकाबले थोड़ा कम है। एंड एस सी पी थ्रोलेट 92% मिला, जिप स्कोर मैक्स पे 246,000 है, एवरेज स्कोर 238,000 देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो गीग बेंच स्कोर है सिंगल में 1291 मिला और मल्टी के अंदर 3470 जो है देखने को यहाँ पे मिला स्कोर। अब यहाँ पे बात करें गेम स्पेस के बारे में, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा, मोड है, हेडसअप है, FPS इन्फो है, स्टे बैक है, रैम यूजर से सब मिलेगा, ग्राफिक में स्मूथ पे एक्सट्रीम मिलेगा, HDR पे भी एक्सट्रीम तक मिल जाएगा और अल्ट्रा HD भी अनलॉक ग्राफिक मिल जाता है। तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले 90% लोग नहीं आता इसके अंदर, बाकी जो गेमिंग है वो आपको ठीक ठाक से इसके अंदर भी यहाँ पे मिलती है। तो गेमिंग के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर आपको बिल्कुल गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको ठीक ठाक वाली जो परफॉर्मेंस होती वही यहाँ पे मिलने वाली, ज़्यादा तगड़ी भी यहाँ पे नहीं है। तो ठीक ठाक से जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे मिलेगी फिलहाल फर्स्ट बिल्ड के अंदर अगर हम देखें तो। बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जो आपको बताया वो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कुछ डेली लाइफ यूजर्स में भी थोड़े बहुत मिलेंगे। तो ये भी जो है प्रोजेक्ट एलेक्सर की तरफ से फर्स्ट एंड्रॉयड 14 बिल्ड है, तो मेरे हिसाब से आप वेट करो थोड़ा एक दो अपडेट का तो थोड़ा सही हो जाएगा। दूसरे रोम का काफ़ी सारे अपडेट आने लग गए हैं, बट इसका अभी फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट बिल्ड ही है, तो मेरे हिसाब से वेट करोगे ज़्यादा सही रहेगा। और रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर थोड़ा सा इशू उसके अंदर मुझे मिला था, जो कि बूट इशू वाला सिक्योरिटी ऐड करने के बाद। यहाँ पे हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर अच्छे से काम कर रहा है, सिक्योरिटी के बाद कोई इशू ऐसा नहीं आ रहा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।